हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, लेकिन फिर भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वे अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाता है। शरीर में किसी भी तरह का बदलाव आना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन यही बदलाव या परेशानी विटामिन डी की कमी के कारण होता, हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। आज हम इन हड्डियों की कमजोरी को देखते हुए विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, एवं विटामिन डी की कमी हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी के अंदर कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। अब देखिए, यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो क्या होगा, मैं कैल्शियम की गोली खाता हूं तो वह कैल्शियम की गोली स्टमक में आती है, स्टमक से आंतों में, और आंतें इस कैल्शियम की गोली को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिससे कि कैल्शियम लेटिंग के द्वारा पूरे के पूरा मतलब 100% बाहर निकल जाएगी। और यदि शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है तो इस स्थिति में आंतें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। चलिए बात कर लेते हैं, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होने लगते हैं, मतलब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। विटामिन डी की कमी मतलब हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितना भी कैल्शियम खाएंगे वह कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं रुकेगा, वह लेटरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। यदि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो बच्चों में रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है। यदि आप में विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और थोड़ी बहुत चोट लगने के कारण भी आपकी हड्डी फ्रैक्चर होने का डर रहता है या हो जाती है। हड्डियों में दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती है, कमर एवं पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। विटामिन डी की कमी से आपके मसल्स में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, आपकी त्वचा में रूखापन आने लगेगा। जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी होती है उन व्यक्तियों में पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, जोड़ों के दर्द बहुत ज्यादा होता है, एवं शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम दो तरीके से शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। पहला तरीका होता है हम खाने के द्वारा, फूड्स के द्वारा विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम सन एक्सपोजर यानी सूर्य की किरणों के द्वारा हम विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन बात और मैं बता दूं आपको, यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको विटामिन डी की कमी होगी ही, क्योंकि वेजिटेबल्स और फूड्स में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, और कुछ फूड्स में तो विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यदि आपको विटामिन डी फूड से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो दूसरा स्रोत बचता है सनलाइट। तो आप सूर्य की धूप में 10 से 15 मिनट हफ्ते में 102 बार बैठते हैं तो आप धूप से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसकी पूर्ति काफी हद तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि फिश में विटामिन डी बहुत ज्यादा पाया जाता है, चिकन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मीट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अंडे में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको विटामिन डी की पूर्ति के लिए कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको विटामिन डी का लेवल कम होना लग रहा है तो सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट कराएं। ये टेस्ट ब्लड सैंपल के द्वारा होता है। यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो घबराएं नहीं, फिजिशियन से मिलें। यदि आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सप्लीमेंट कैसे लेना है, मेडिकल शॉप पर आपको कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में तीनों विटामिन डी के सप्लीमेंट मिल जाएंगे। कैप्सूल को आपको हफ्ते में एक बार आधा से एक ग्लास दूध से लेना है, और पाउडर और लिक्विड को आधा से एक कप के साथ आपको घोलकर हफ्ते में एक बार लेना है। ये आपको कम से कम दो महीने तक करना है, मतलब 8 डोज लेना है आपको। आपकी विटामिन डी की कमी को ये पूर्णता से खत्म कर देगा। तो आप इस तरह से विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको, आपको किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए आपको नियमित व्यायाम करें और बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।